वजीर सेहत हरीश राव ने आज मल्कजगिरी का दौरा करके मल्कजगिरी के उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर आनंद बाग से मल्कजगिरी तक बाइक रैली निकाली गई। बाद अजां लक्ष्मी साई गार्डन में कारकुनों का वसई पैमाने पर इजलास मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में रियासती उजरा हरीश राव सी मल्ला रेड्डी के अलावा शंभीपुर राजू और मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि मल्कजगिरी को बेमिसाल तरक्की देना चाहते हैं तो बीआरएस उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी और जैसे खुश अखलाक और नर्म मिजाज और तरक्की पसंद कायद के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करने के इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाह स्कीमत की मुल्क भर में नजर नहीं मिलती और मुल्क में कोई भी हुकूमत हमारी तरह की स्कीमों पर अमल नहीं कर रही है। మంచి మనిషి గెలవాలన్నా మనసున్న మనిషి గెలవాలన్నా ముఠాలు కక్షల మనుషులు గెలవాలన్నా ఇయాల మల్కాజ్గిరి ప్రజలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎప్పుడైనా చెడు మీద మంచే గెలుస్తది, మంచే నిలుస్తది, న్యాయమే గెలుస్తది, ధర్మమే నిలబడతది। మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గెలిచి తీర్తడని చెప్పి కూడా మనం చేస్తాం। ఇయాల మైనంపల్లి గారు ఎందుకు పార్టీ మారిండే अंटे नी स्वार्थं कोसं पार्टी मारने तप इंकोकटी का प्रजलु गमनिस्ता मनकु मंचे इंका अभिवृद्धिलो मुंदुकु पोवाले पेदलकु मेलु जरगालनी प्रजलंदरू हमारे मुसलमान बहने भाइयों भी हैं यहाँ पर, आप लोग भी सोचना चाहिए। आज केसीआर साहब ने आपके लिए शादी मुबारक स्कीम लेके आए, केसीआर साहब ने आपके बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए 204 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल लेके आए। एक अमन के साथ तेलंगाना को केसीआर साहब चला रहे, ऐसे केसीआर साहब के लिए आप सब दुआ दीजिए। केसीआर साहब को जिताए तो और अपने बच्चे के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए और अच्छा सुविधा भी होने वाला है। कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, आज मुसलमानों का गरीबी का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने वोटर लूटते लेकिन अपने लिए कुछ काम नहीं करे। इस देश में मुसलमानों को सबसे ज्यादा बजट अगर कोई दिया है वो सिर्फ केसीआर साहब दिए। बीआरएस हुकूमत ने आपको 2200 करोड़ रुपया का बजट दिए। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ आवाम है, बंगाल में 2 करोड़ 40 लाख आवाम है, कर्नाटका में 90 लाख है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 40 लाख आवाम है, वहां पर भी इतना बजट नहीं है। अपने पास 50 लाख आवाम है लेकिन 2200 करोड़ रुपया आपके लिए केसीआर साहब ने हर साल देते जा रहा है। इवन्नी आलोचिंचाल, హిందువులైనా ముస్లింలైనా క్రైస్తవులైనా అందరినీ తన బిడ్డలుగా తన తోబుట్టువులుగా భావించిన నాయకుడు ఇయాల కేసీఆర్. ఇలాంటి కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని మీరందరూ బలపరచండి, మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని లక్ష మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుకుంటూ జై తెలంగాణ.